मोदी जी के राष्ट्र निर्माण में मदद कर रही है और यहाँ पे प्रदेश में योगी जी के बुलडोजर चलाने में भी सहयोग कर रही है। और खबर 24 लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक पटेल, खबर 24 लाइव न्यूज चैनल से रिलेटेड दिखाते हैं मड़ियाव विधानसभा की कुछ खास रिपोर्ट। बताते हैं मड़ियाव विधानसभा में जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सारे प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। वहीं आज मड़ियाव विधानसभा में अपना दल यस और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर आरके पटेल ने मड़ियाव के रामलीला मैदान के पास किया जनसभा और किया कार्यकर्ता सम्मेलन। उसके बाद उन्होंने मड़ियाव बाजार में किया भ्रमण और सभी लोगों से किया जनसंपर्क। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। आई लेकर दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम डॉक्टर आरके पटेल के साथ हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। मनोज सिंह जी बड़े युवा पार्टी नेता, अनिल श्रीवास्तव जी विधानसभा प्रभारी, अनिल दुबे जी जिला अध्यक्ष हिंदू वाहनी, आलोक सिंह जी जो मेरे छोटे भाई समान है, श्रीमती इंदुबाला सिंह जी अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा, माता बदन तिवारी जी राष्ट्रीय सचिव अपना दल, जय सिंह जी मंत्री भाजपा, श्यामचंद्र दुबे जी जिला मंत्री भाजपा, भैया राम पटेल जी भाजपा, राजेश सिंह जी जिन्होंने पिछले 3 दिनों से हमारे कार्यक्रम का इतना अच्छा संचालन किया कि मुझे लगा ही नहीं कि इतना जोश इनके अंदर है। उसकी तुलना में उपस्थित माताओं बहनों और एवं बुजुर्ग साथियों सभी युवाओं ने एनडीए केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कार्य कल्याणकारी नीतियों का बखान किया है और आपके बीच में उसकी चर्चा की है। मैं अपने आप को इन सभी नीतियों से जोड़ते हुए संबंध करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, सर्जन हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी 2 तरह की बनती है। एक तो मैं चिकित्सा के माध्यम से आप सभी की सेवा करूं, दूसरा जनप्रतिनिधि के रूप में भी आपकी सेवा करूं। आप लोग जो मुझे अवसर देने जा रहे हैं वो मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर होने के नाते मुझे डॉक्टरों की समस्याओं का भी ख्याल रखना होगा और अपने मरीज की समस्याओं का भी ख्याल रखना होगा और जनता की समस्याओं का भी ख्याल रखना होगा। जैसा कि आपको विदित है यहाँ पे एक सदर अस्पताल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपसे वादा करता हूँ सदर अस्पताल में जिला अस्पताल से बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पे सिर्फ सभी मरीजों का ऑपरेशन होगा। अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा, सर्जन होने के नाते मैं मैदान में कूद पड़ूंगा। जांच की जितनी सुविधाएं होंगी यहाँ के सदर अस्पताल में उपलब्ध होगी। किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत होगी तो बाहर से भी मनाने का काम करूंगा। मरियाओं का कोई मरीज अब बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले देश भयानक संकट से गुजरा, जिसका नाम आपने कोरोना महामारी के रूप में जानते हैं। दुनिया हिल गई, अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया, यूरोप बड़े बड़े देश ग्रस्त हो गए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से इस महामारी का मुकाबला किया, एक इतिहास के पन्नों में सदैव लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में भोजन देना आसान काम नहीं है। अगर आप इतिहास में गौर करेंगे पिछले 500 साल और अगले 500 साल तक कोई न नेता होगा न कोई राजा होगा जो इस व्यवस्था को दे सके। इसलिए भी मोदी जी को याद किया जाएगा। एक गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम यहां आए हैं। यहाँ का जो चुनाव चिन्ह है कप प्लेट है, उसी कप प्लेट में कमल भी खिलेगा। हमें प्रचार के दौरान और जन चौपाल के दौरान हमें कहीं कहीं देखने को मिला हमारा चुनाव निशान कमल है,
तो वहां हमें कहना पड़ा भाई साहब चुनाव इस बार कब लेट है और उसी में कवर चलेगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सबको ये बताएं कि हमारा चुनाव निशान कब लेट है और उसी में कवर चलेगा। और जो मेरे अतिथियों यहां बैठे हुए हैं अगर वो ठान लें प्रण कर लें कि अपने बूथ पे पड़े हुए 80% मत को एनडीए के घटक दल अपना दल के चुनाव निशान कब लेके अगर डाल देते हैं तो मरियाहों विधानसभा योगी जी के मोदी जी के सपनों को पूरा करेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, आप सक्षम हैं। यहाँ की और जो मूलभूत समस्याएं हैं स्वास्थ्य शिक्षा सड़क उसका भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे चिकित्सक अभी के रूप में परिचित हो गए या तो मरीज के रूप में गए होंगे या अभिभावक के रूप में गए होंगे। मैं अनजाने में भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। मैं पिछले 20 सालों से निःशुल्क रूप से कर रहा हूँ, आज तक मैंने किसी से फीस नहीं ली। इस समय बनारस यूनिवर्सिटी का जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है दुनिया के 100 संस्थानों में से स्थान रखता है और इंडिया के नहीं दुनिया के 100 संस्थानों में से उसका नाम है। अगर दुनिया के 100 सबसे अच्छे संस्थानों को देखा जाए तो ये शायद 23वें या 83वें नंबर पे है, ये आपको कंफर्म करना होगा। मैं वहीं से पढ़ के आ रहा हूँ और बीएचयू से पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। वहां से पढ़ने के बाद हमारे मन में जब हम यहाँ आए देखें जो अमीर लोग हैं वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए फीस नहीं देना चाहते और जो गरीब लोग हैं वो चुपचाप अपनी फीस दे देते थे। तो इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई कि जो जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो मुझे खुद फीस दे रहे हैं और जो देने लायक है वो मैं नहीं दे रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया अब मैं किसी से कभी भी फीस नहीं लूंगा। अभी तक मैं उस पे कायम हूं। आप लोग मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मेरे सेवा को विस्तारित करने जा रहे हैं और मुझे मौका देने जा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपका सेवा करने का। मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी होगी, एक तो आपकी समस्याओं को देखना और दूसरी स्वास्थ्य की समस्याओं को देखना। और एक बात आप जान ले बहन अनुप्रिया पटेल केंद्र में मोदी जी के राष्ट्र निर्माण में मदद कर रही है और यहाँ पे प्रदेश में योगी जी के बुलडोजर चलाने में भी सहयोग कर रही है और समाज में जो भेदभाव है उसे भी मिटाने का काम कर रही है। आप लोग बहुत समय से यहाँ पे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को जितना कहना चाहिए उतना मैं कह चुका हूँ। अब मेरे पास शब्द नहीं है, हो सकता है आगे जुड़ जाए। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ जो कप प्लेट का निशान है वो 8वें क्रमांक पे है। यहाँ पे टोटल 13 क्रमांक है, उसमें आप अगर नीचे से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे से मैं 6ठे स्थान पे हूँ और ऊपर से मैं 8वें स्थान पे हूँ। ये भी आप लोग बताने का प्रयास करें। सुना सभी उपस्थित त्रिदेव को प्रणाम करते हुए और सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मंच